ठीक है, आज का मेकअप लुक है नाइट पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आएगा। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होता है अपनी स्किन केयर। हाँ जी, सबसे पहले हमें अपनी स्किन केयर अच्छे से करनी होती है। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए या क्लींजिंग की हेल्प से अच्छे से फेस को क्लीन कर लीजिए। एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँ यहाँ पे टोनर, जो मैंने गुड वाइज का हनी ग्लो टोनर यूज़ किया है। आपके पास जो भी टोनर हो, आपको जो भी टोनर सूट करता हो वो आप अच्छे से अप्लाई कीजिए। एंड अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर का भी यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड स्टेप आती है, वो होती है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल बेस मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। बहुत ही लाइट वेट है, समर के अंदर बहुत ही मतलब यानी कि जेल बेस क्रीम है और अपने बेस को बहुत ही ज़्यादा लाइट रखती है। तो अच्छे से अपने फेस नेक पर अप्लाई कर लेना है, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें मॉइस्चराइजर को। एंड इसके बाद यूज करना है आपको प्राइमर। आप जो भी स्टेप फॉलो करें उसमें थोड़ा थोड़ा आपको गैप देना है, वन बाय वन करके लगातार कुछ भी यूज नहीं करना है, ताकि गैप देने से हमारी स्किन के अंदर जो हम जो यूज करें वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। एंड मैंने यहाँ पे NYB का एक प्राइमर लिया है जो हमारे ओपन पोर्स को अच्छे से मिनिमाइज कर देगा और एंड बेस को लॉन्ग लास्ट करेगा। जब तक ये हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होएगा तब तक मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से फील कर लूँगी, जो मैंने वेट एंड वाइट की आईब्रो पैलेट ली है और इसी की ब्रश की हेल्प से मैं आईब्रोज को अच्छे से फील कर लूंगी। मैंने यहाँ पे दोनों सेट पिक किया है, ब्राउन एंड ब्लैक सेट, दोनों को मिक्स करते हुए आईब्रो को सेट किया है। तो देख सकते हैं मैंने जो मेरी नेचुरल आईब्रो है वो उसी को मैंने शेप दिया है। एंड इसको स्पूली की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि एक नेचुरल लुक आए, ओवर नाइट दिखाई दे। तो सेम दोनों आईज के ऊपर अच्छे से यानी कि ब्रोज को अच्छे से फील कर लेना है। और आप जो ये मेरी ड्रेस देख रहे हो, ये ड्रेस मैंने फ्लिपकार्ट से बाय की थी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी ड्रेस है। आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे मेरी आईब्रो अच्छे से फील हो चुकी है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मार्स का एक कंसीलर पैलेट, देख सकते हो इसमें हमें सारे 6 सेट कंसीलर के मिलते हैं एंड 6 हमें कलर करेक्शन भी मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ये। तो इसे मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से शेप दे लूँगी। कंसीलर लगाने के बाद हमारी आईब्रोज बहुत ही अच्छे से उभर के आती है और मैं फुल आईज के ऊपर भी अप्लाई कर लूँगी एज अ प्राइमर। तो कंसीलर लगाने के बाद जो हमारे इस जो आईज के ऊपर जो डार्क पिगमेंटेशन होती है ना वो अच्छे से छुप जाती है, डार्क सर्कल होते हैं ना वो अच्छे से छुप जाते हैं और जो हम आई मेकअप करते हैं ना वो अच्छे से उभर के आता है। तो अच्छे से हमें इसे अप्लाई कर लेना है। अगर आपकी आईब्रोज नहीं बनी हुई है ना तो आप इस तरह से कंसीलर लगाओगे ना तो आपकी आईब्रो बहुत ही अच्छी शेप में आ जाएगी और बहुत ही अच्छी उभर के आएगी, बहुत ही सुंदर लुक आता है इस तरह से जो हम कंसीलर लगाते हैं ना तब। तो फुल आईज के ऊपर मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है और इसको ब्लेंड भी कर लूँगी। ब्लेंड करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही अच्छे से हमें स्मूथली ब्लेंड करना है। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो या फिर स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो। तो मैं पहले तो ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया था, अब स्पंज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि अच्छे से ब्लेंड हो सके फुल आईज के ऊपर। सो इस तरह से मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इसे कॉम्पैक्ट पाउडर के हेल्प से मैं ब्लेंड सॉरी सेट कर लूँगी। क्रीज लाइन आ जाती है हमारे आईज के ऊपर, तो क्रीज लाइन ना बने इसके लिए हमें अच्छे से सेट कर लेना होता है। अब मैं कर रही हूँ आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे ग्लम 21 का काजल ले रही हूँ। मैं स्मोकी आई मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। तो अच्छे से हमें काजल लगाना है, फिर उसको ब्लेंड कर लेना है ठीक से। तो आप डायरेक्ट ब्लैक आई शेडो ना लगा के काजल अप्लाई कीजिए या फिर जेल आई लाइनर आता है ना वो अप्लाई कीजिए, उसके बाद ही आप इसके ऊपर ब्लैक आई शेडो लगाइए जिससे हमारा आई मेकअप बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैंने दोनों आईज के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लिया है और फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड अब इसके बाद मैंने ये SFR की आई शेडो पैलेट ली है, यहाँ से मैं ब्लैक शेड पिक कर रही हूँ और इसी सेम ब्रश की हेल्प से मैं जहाँ पर जो काजल लगाया था उसी के ऊपर मैं अच्छे से इसको स्मज करूँगी।
बहुत ही सिंपल होता है स्मोकी आई मेकअप लुक करना। बस इसको अच्छे से ब्लेंड करना होता है, स्मज करना होता है और बहुत ही इजी हो जाता है आई मेकअप। तो दोनों आईज के ऊपर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब मैं ले रही हूँ ये वाला सेट, जिसे मैं क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से अप्लाई करूँगी स्मॉल फ्लैपी ब्रश की हेल्प से, जिससे मेरा आई मेकअप बहुत बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। देख सकते हो आप इस तरह से बहुत ही टू स्टेप के अंदर आप आई मेक स्मोकी आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तब भी आप बहुत ही आसानी से आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। तो एंड जो एक्स्ट्रा फॉल आउट हुआ था उसको मैंने डस्ट आउट कर दिया है। एंड सेम पैलेट में से मैं कंसीलर ही यूज कर रही हूँ बेस के लिए। तो अपना सेड का आप कंसीलर यूज कर लीजिए, इसमें हर सेड के कंसीलर अवेलेबल है अपने स्किन टाइप के अनुसार। तो मैंने थोड़ा सा नाइट पार्टी मेकअप लुक थोड़ा ब्राइट मेरी स्किन टोन से वन सेड ऊपर का कंसीलर यूज किया है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हमें स्पंज के ऊपर सेटिंग स्प्रे ऐड करना है और जिससे आप बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर पाओगे, क्योंकि कंसीलर थोड़ा स्टिकी होता है तो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता। तो आप इस पर सेटिंग स्प्रे यूज करके अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। तो ये देख सकते हो थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन टोन से, बट जब मैं फुल मेकअप करूँगी ना, हमारे यहाँ पर रोड के ऊपर मकान है तो गाड़ियों की आवाज़ें बहुत आती है, तो सॉरी इग्नोर करना इस चीज़ को, बहुत मुश्किल होता है वॉइस रिकॉर्ड करना। तो अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अभी जब मैं फुल मेकअप करूँगी ना तो ये आपको इतना वाइट दिखाई नहीं देगा, सेट हो जाएगा। तो इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। नाइट में हम अगर एक सेट ज़्यादा भी लगा लेते हैं ना अपने फेस के ऊपर तो वो इतना ओवर दिखाई नहीं देता है। तो आप अगर डे में कर रहे हो तो डे में आपको अपने स्किन टोन के अनुसार ही आपको मेकअप करना होता है, ठीक है। तो अच्छे से ब्लेंड कर लेना है अपने नेक के ऊपर, ईयर्स के ऊपर। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अब ले रही हूँ यहाँ पर कॉन्टूर। कॉन्टूर के लिए मैंने NYV का स्टिक कंसील कॉन्टूर लिया है, देख सकते हैं आप कॉफ़ी कलर का ये सेड है। तो जहाँ पे मुझे कॉन्टूर की नीड है वहाँ पर मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ज़्यादा इतना स्टिकी भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ब्लेंड करने में, बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। ये देख सकते हो आप NYV के कंसीलर अगर आप लेना चाहते हो तो ये आपको purple.com पे मिलेंगे, वहाँ पर आप इन्हें ले सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल आते हैं NYV के प्रोडक्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी आते हैं। इसके अंदर हर एक सेट मिल जाता है आपको कंसीलर में, जिसे आप फुल बेस मेकअप लुक भी क्रिएट कर सकते हो। और ये 100 के अराउंड भी मिल जाता है हमें, बहुत ही सस्ते होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, तो आप ले सकते हो। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर ब्लेशर यूज करी हूँ। ब्लेशर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लेशर पैलेट लिया है। यहाँ पे मैंने दो सेड को मिक्स करके ब्लेशर अप्लाई किया है। तो अच्छे से हमें ब्लेशर लगा लेना है, स्माइल करते हुए ब्लेशर लगाना है ताकि हमारे गाल ब्लश करते हुए दिखाई दे। तो एंड इसके बाद मैं फिर से पाउडर सेटिंग कर रही हूँ और जो मैंने कॉन्टूरिंग की थी उसको अच्छे से शार्प दिखाने के लिए। एंड अंडर आइज के नीचे भी मैं कॉन्टूर कर लूँगी, तो अच्छे से सॉरी कॉन्टूर का पाउडर से सेट कर लूँगी। एंड अब मैं जो मरून सेड जो क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई किया था, सेम वही सेड में लोअर लाइन के नीचे भी अप्लाई करूँगी। सेम ब्रश से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जिससे मेरा आई मेकअप लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोनों आइज के ऊपर अच्छे से हमें ब्लेंड कर लेना है। एंड इसके बाद हमें लगाना है काजल, जो मैं अपर वाटर लाइन के ऊपर इनर वाटर लाइन के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, जिससे मेरी आई मेकअप लुक और भी अच्छी स्मोकी आई मेकअप लुक दिखाई देगा। तो इसे लगाने के बाद आप एंगल ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। आप ब्लैक आई शेडो लेके इसको अच्छे से स्मज करिएगा। स्मज करने के बाद हमारा आई मेकअप लुक और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने लग जाता है, तो देख सकते हो आप। तो इसको स्मज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको इस तरह से स्मज करने के बाद हमारा आई मेकअप लुक कुछ और ही दिखाई देने लग जाता है। आप दोनों आईज के अंदर फर्क देख सकते थे अभी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा लिया है, देख सकते हो। अब मैं कर्ल से अच्छे से आई लेसेस को अच्छे से कर्ल कर लूँगी और फिर मस्कारा अप्लाई करूँ। यहाँ पर मस्कारा के लिए मैंने मार्स का ही मस्कारा लिया है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है। मैंने ज़्यादातर प्रोडक्ट मार्स के ही यूज किए हैं और बहुत ही अच्छे आते हैं मार्स के प्रोडक्ट, और अच्छे प्रोडक्ट होते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इन प्रोडक्ट्स को। तो देख सकते हैं मैंने अपर लेस के ऊपर इनर लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आप चाहे
है तो फॉल्सेस ना लगाए तब भी चलेगा, अगर आप चाहते हो तो लगा सकते हो। मैं यहाँ पर फॉल्सेस भी अप्लाई करूँगी एंड हाइलाइटर के लिए भी मैं मार्स का ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पहले तो सबसे पहले इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी, आई बोन को हाईलाइट करूँगी। तो इसके अंदर जो व्हाइट शेड है, सिमरी शेड है, तो उसकी हेल्प से मैं अच्छे से कर लिया है। सेम पैलेट से मैं हाइलाइटर यूज करूँ, जहाँ पर हाइलाइटर की नीड है वहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो देख सकते हैं अब आप लोगों को मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है। अब भी ज़्यादा ओवर वाइट लग रहा है, जिस जैसे हम मेकअप करते जाते हैं वैसे जैसे हमारा मेकअप सेट होते जाता है, अच्छे से ब्लेंड होते जाता है हमारी स्किन के अंदर। एंड इसके बाद जो मार्स का जो सेटिंग स्प्रे है उसकी हेल्प से मैं अपने बेस को अच्छे से सेट कर लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करते हुए इसको सेट कर लेना है। एंड अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के लिए सबसे पहले मैं आउटलाइन बना रही हूँ और मैं लिप मेकअप तो अच्छे से कर लेती हूँ, जब लिपस्टिक की बारी आती है ना तब मैं शेड चूज नहीं कर पाती हूँ कि कौन सा शेड लगाऊँ, कौन इस मेकअप के ऊपर कौन सा शेड चलेगा, तो मैं इस तरह से थोड़ा कन्फ्यूज हो जाती हूँ। तो ये तो मेरी अभी तक तो कमजोरी है। तो सबसे पहले मैं लिप लाइनर अप्लाई करूँगी, देख सकते हो अच्छे से मैंने लिप लाइनर लगा लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कौन सा शेड अप्लाई करूँ, तो सबसे पहले मैं रेड शेड ही लगाना चाहती थी बट मैंने रेड शेड लगाया ना तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को बताओ कि आपको रेड कलर अच्छा लगा है कि नहीं लगा, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था मैं इस मेकअप लुक के ऊपर। फुल लिपस्टिक लगाने के बाद मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ कि मेरे को ये लुक, ये जो रेड कलर है जो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था। देख सकते हो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपने लिपस्टिक लगा लिया और वो आपको पसंद नहीं आई तो आप क्या करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर डार्क लिपस्टिक यूज़ करूँगी, देख सकते हो ये डार्क कलर की लिपस्टिक है, मरून डार्क मरून शेड है, तो मैं इसी के ऊपर अप्लाई करूँ। तो आप इस तरह से इस तरह हैक अप्लाई कर सकते हैं जिसे आप अपना मन चाहा कलर शेड पा सकते हो। तो इस तरह से मैंने लिपस्टिक का कलर ही चेंज कर दिया है, तो अब जाके मेरी लिपस्टिक मुझे अच्छी लग रही थी। देख सकते हो इस मेकअप लुक पर जो मैंने चाहा ना वो वाला शेड मुझे मिल चुका है। एंड अब मैं लगा लूँगी फॉल्सीज, तो अच्छे से हमें ड्राई करना है क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ही अच्छे से चिपक पाएगी, तो थोड़ा सा टाइम लगता है लगाने में। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो या तो अच्छे से अप्लाई कर लोगे। तो आज तो मेरे से भी थोड़ा सा लग नहीं पा रहा था, टाइम लगा था उसे लगाने के लिए। एंड मेरा मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत ना। तो ये मैंने इयर रिंग पहन ली, बहुत ही सिंपल से प्यारे से इयर रिंग है। तो अब बताइए मेरा मेकअप लुक आप लोगों को अगर अब भी ओवर लग रहा है तो बता देना, तो कुछ भी कमेंट हो यार मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। एंड ये मैं पहनूंगी चूड़ा, ये चूड़ा तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसको तो मैं हर आउटफिट के ऊपर पहनूंगी, चाहे वेस्टर्न ड्रेस हो या इंडियन ड्रेस हो उसके साथ में भी पहनूँ, पर ये चूड़ा तो मैं हर आउटफिट के साथ वेयर करती ही करती हूँ। तो मैंने अपने बालों को थोड़ा सा ठीक कर लिया है, मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाई है, जैसे थे वैसे मैंने बालों को रख लिया है। तो ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक, आई होप आप लोगों को वो पसंद आएगा। तो आप भी अपने हब्बी के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी ये नाइट पार्टी मेकअप लुक क्रिएट करिए और बहुत ही अच्छे से एंजॉय करिए। तो ये सो ये है मेरी फुल ड्रेस, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।